हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया है या आपने खुद ही किसी वजह से उसको डिलीट कर दिया है और आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वापस लाना चाहते हैं तो उसका फुल डिस्क्रिप्शन गाइस आपको इस वीडियो में दे दूंगा। अगर गाइस आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे तो इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता जिससे आप अपने इंस्टाग्राम को रिकवर कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में आपको फुल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। तो गाइस आपको एक रिक्वेस्ट अप्लाई करनी होगी जो कि इंस्टाग्राम के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी, साथ ही उस फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब गाइस आप लिंक को ओपन करेंगे तो गाइस आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जो कि इंस्टाग्राम के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, माई इंस्टाग्राम अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड। तो गाइज जब आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेटेड हो चुका है या आपने परमानेंटली डिलीट कर दिया तो गाइज आप यहाँ से रिक्वेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, आपका अकाउंट जो है डेफिनेटली वापस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर अपना नेम टाइप करना है जैसा कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लिखे होंगे। तो गाइस इसका मतलब यह है कि अगर आपने कैपिटल में लिखा है तो उसको कैपिटल में टाइप करें, अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में टाइप करें, अगर आपने कोई भी डिफरेंट राइटिंग सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम अकाउंट में टाइप किया तो उसको सेम टू सेम इसमें कॉपी पेस्ट कर दें। अगर गाइस आपने कोई भी इमोजी या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के नेम में यूज़ किया है तो आपको सेम टू सेम इसमें टाइप करना होगा। जैसे कि सपोज आपने अपना नेम टाइप किया है पैसिफिक T7 और गाइस साथ में आपने कोई इमोजी यूज़ की है तो गाइस आपको वो इमोजी भी टाइप करनी होगी। ईमेल एड्रेस और यूज़र नेम टाइप करने के बाद गाइस आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। गाइस आपको अपना वह मोबाइल नंबर टाइप करना है जो कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंक हो। फिर गाइस आपको अपना यहाँ पर रीज़न देना होगा कि आपका अकाउंट जो है किस वजह से डीएक्टिवेट हुआ था या आपने किस वजह से परमानेंटली डिलीट किया था। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है। फिर गाइस जब आपका फॉर्म जो है पूरा फिल हो जाएगा तब गाइस आपको सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी रिक्वेस्ट जो है इंस्टाग्राम के पास चली जाएगी और आपका अकाउंट जो है 1 घंटे या 24 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा। और साथ ही गाइस मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इस तरीके के अलावा ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को वापस ला सकते हैं जो कि इंस्टाग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।